गुड मॉर्निंग मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं सारे? आशा है कि आप सभी अच्छे होंगे। तो ये इसलिए दिख रहा है आपको मेरा सेल्फ मेड नॉन स्टिक कढ़ाई, क्योंकि आज मैं बना रही हूँ नाश्ता। नाश्ता मतलब मैं रोज ही बनाती हूँ, पर आज आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ कि नाश्ते में मैं बना रही हूँ पास्ता। जी वाह, ये तो राइम ही बन गया, नाश्ते में पास्ता। तो चलिए बनाते हैं नाश्ते में पास्ता। उसके लिए मैंने पास्ता जो है कल ही उबाल के रख दिया था, मतलब कल ही बॉईल कर दिया था, क्योंकि मॉर्निंग में पंकज को 8:30 जाना था, तो इसलिए मैंने रात को ही थोड़ी तैयारी कर ली थी। वेजीज तो मैंने अभी चॉप की है, उसको मैं चलिए डाल लेती हूँ आप कढ़ाई में। तेल गर्म हो चुका है, मैंने इसमें शिमला मिर्च, गाजर और प्याज, टमाटर, थोड़े बहुत मटर, सब कुछ मतलब जो भी है वेजिटेबल विंटर्स वाले सभी डाल दिए हैं। तो मैं आपको ये कह रही थी कि मैंने पास्ता कल ही बॉईल करके रख दिया था, तो वो थोड़ा सा जम जाता है, चिपक सा जाता है, तो उसको मैंने क्या किया था कि मॉर्निंग में फिर जब थोड़ा सा हॉट वाटर उसमें डाल दिया, तो उससे क्या होता है कि फिर वो खुल जाते हैं, खिले खिले से हो जाते हैं वापस से जो पास्ता है हमारा। ठीक है, तो अब मैंने इसमें जो है वेजिज सारी डाल दी है, इनको अच्छे से हम हिला लेंगे, ये तो आपको पता ही है। और अब मैं डालूँगी इसमें जो हमारा चिंग्स चाइनीज़ वाला जो मसाला होता है, आप देख सकते हैं मैं वही डाल रही हूँ, तो उसका मैं थोड़ा सी ये चटनी इसमें डाल देंगे, इससे इसका जो स्वाद होता है दोगुना हो जाएगा। मैंने इसमें कुछ नहीं किया है, इसलिए मैं पहले ही बता देती हूँ कि ऐसी कोई रेसिपी नहीं है, ये बस मैंने बनाया था, तो मैंने सोचा कि आप लोगों को दिखा देती हूँ, तो इसीलिए ये डाला है। उसके बाद फिर मैं अब हम इसमें डालेंगे नमक, मतलब सॉल्ट अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट, स्वाद के अनुसार, और फिर इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और थोड़ा सा मैंने इसमें डाला था विनेगर, जो क्या बोलते हैं उसको आप लोग, जो भी मतलब विनेगर ही बोलते हैं हम लोग। तो अब इसको भी डाल के हमने, मैंने इसको मीडियम पे लो आंच में रखा था, और ये देख लीजिए पास्ता मैंने ये वाले लिए थे जो कर्ली कर्ली वाले होते हैं, तो ये वाले मैंने इसमें डाल लिया है। अब इसको हम अच्छे से जो है मिक्स कर लेंगे, सारे वेजीज और मसाला जो है, जब तक इसके साथ हमारा लिपट नहीं जाता, ऐसे बोलते हैं ना कुछ लोग लिपट जाता है, ये कुछ बोलते हैं, तो इस तरह से जब तक कि पूरी तरह से मिक्स नहीं हो जाता, हम इसको इस अच्छे से मिक्स कर देंगे। और फिर इसको हमने अभी मीडियम मीडियम से लो आंच में ही बनाना है, याद रखिएगा, आंच तेज़ मत करिएगा नहीं तो ये जल जाएगा। तो देखिए कलर कितना अच्छा आ रहा है, आप लोगों को दिख रहा होगा। तो अब ये तो बन चुका है, इसको हम ढक के रख देंगे और आँच को बंद कर देंगे। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैं हमेशा 5 से 10 मिनट रखती हूँ, तो वो तो रख के दिखाऊंगी तो बहुत लंबा हो जाएगा वीडियो। अब मैं यहाँ पे चाय बना रही हूँ पंकज के लिए और अपने लिए, तो चाय हमारी रेडी हो चुकी है। देखिए चाय में कितना अच्छा उबाल आ रहा है, चाय में मैंने सर्दियों के मसाले जो होते हैं हमारे, लौंग, इलायची, अदरक सभी डाल दिए हैं। तो चलिए पंकज जी का नाश्ता तैयार हो गया है, ये आपको दिख रहा होगा, हमारे वेजीज मैंने सारे डाले हैं जो भी इसमें आपको दिखाई दे रहे हैं, चाय और नाश्ता उनको तैयार है। चलिए पहले उनको नाश्ता दे देते हैं, वो स्कूल जाएंगे, उसके बाद फिर हम जो है मैं लग जाऊंगी अपने काम। हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। दोबारा गुड मॉर्निंग इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि कैमरे के सामने अभी आई हूँ आप लोगों के सामने जो है, तो अब मेरा जो है पूजा वूजा सब हो गया है, तो अब जो है लेके मैं बैठी हूँ अपना ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट तो आपने सुबह देख ही लिया था कि मैंने क्या बनाया था, मैं एक बार आप लोगों को फिर से दिखा देती हूँ। ये देख ही रहा होगा, इसमें मैंने जो है ऑर्गेनिक क्या होता है वो सीजनिंग, वो भी सब डाल दिया है, मसाला वसाला जो होता है वो सब डाल दिया है, गरम कर लिया है, ठंडा हो गया था क्योंकि वो तो सुबह मॉर्निंग में बनाया था, 9 बजे बनाया था तब पंकज के लिए, 9 बजे से पहले 9 बजे तो पंकज घर निकल गए थे। अभी हो रहा है 10:30, तो मेरा पूजा वूजा सब हो गया, कपड़ा भी मैंने धुलाई कर लिया है, कपड़े भी मतलब कपड़े वपड़े सब धुल गए हैं, और धूप अच्छी लगी आज, लेकिन मैंने सोचा था कि डोरमेट्स भी धो दूंगी, लेकिन लाइट चली गई, लाइट तो मतलब चली गई, मतलब लाइट तो है, आ गई वो लाइट, लेकिन क्या होता है कि जब लाइट चली जाती है तो नीचे से मोटर बंद हो जाता है, नीचे मतलब गेट के पास जो मेन कनेक्शन है वहाँ से मोटर बंद हो जाता है, तो फिर जब तक वो ऑन नहीं करेंगे तो जो मेन में है, एक्चुअली मैंने मशीन बाहर रखी है तो वो मेन का ही वहाँ पे कनेक्शन है, अदरवाइज तो टंकी से तो पानी है वो सब आता रहता है, लेकिन जो मैंने बाहर रखा है तो वो मेन का पानी आता है, तो इसलिए मतलब
धुलाई आधी में रुक गई। हाँ आधी में रुक गई समझिए, क्योंकि मैंने सोचा था मैट्स धो दूंगी आज, लेकिन वो हो नहीं पाया। अभी देखते हैं, अगर पानी आ गया तो धो लूंगी, क्योंकि धूप तो है काफी तेज, 4 बजे तक रहती है हमारे यहाँ धूप। क्योंकि सामने पहाड़ है, आपने देखा, मैंने पहले वीडियोज में दिखा रखा है, सामने पहाड़ है, तो उस वजह से जो है कि जल्दी धूप चली आती है यहाँ से, मतलब ऐसे रहती है पीछे उधर दूर तक, लेकिन अब वहां कौन सुखाने जाएगा। बाल धो लिए आज मैंने काफी, तो बाल धो लिया मैंने, मतलब हैंड वॉश नहीं, मेरा पता नहीं, हेयर वॉश कर लिया है मैंने आज। और चाय भी मैंने ले ली है, इसी में चाय लिया, मैंने सोचा है बहुत दिन से कि ग्लास में चाय लूँ, लेकिन मैं भूल जाती हूँ, मग में चाय लेती हूँ। तो आप लोग भी आ जाइए चाय पीने के लिए। चाय मैं दिखा देती हूँ, मेरे एक कोई सब्सक्राइबर है तो वो कह रहे थे कि अरे आपको जो है आपने चाय बनाई लेकिन हमको चाय नहीं दिखाई, तो मैं उनको चाय दिखा देती हूँ। ये है चाय हमारी, ये है चाय, आप देख लीजिए, मनीष जी है उनका नाम, तो मनीष जी चाय देख लीजिए और पीने आ जाइए कभी आपको मौका मिले तो हमारे यहाँ, तो हमको आप जरूर चाय पिलाएंगे, लौंग इलायची वाली बहुत अच्छी चाय बनती है, जरूर पिलाएंगे आपको। तो चलिए मैं ब्रेकफास्ट कर लेती हूँ, फिर मिलती हूँ आपसे, और सोच रही हूँ आज गाजर का हलवा बनाऊँ, गाजर का हलवा की रेसिपी जरूर देखूंगा, बिना कद्दूकस किए हुए, बिना घिसे कद्दूकस किए हुए हम गाजर का हलवा कैसे बनाएंगे, क्योंकि बहुत सबसे आफत होती है गाजर का हलवा खाने में, जितना टेस्टी लगता है उतना ही मेहनत लगता है, लेकिन आज हम उतना ज्यादा मेहनत किए बिना उतना ही ज्यादा टेस्टी गाजर का हलवा बनाएंगे बिना कद्दूकस किए। तो बने रहिए ब्लॉग में, जाइएगा कहीं नहीं। चलिए तो मैं पहले ब्रेकफास्ट कर लेती हूँ, फिर मिलती हूँ आप लोगों से। तो अब हम लोग जो है बैठ के मटर छील रहे हैं यहाँ पे, तो बच्चे भी आ रखे मेरे साथ, तो मैंने कहा चलो तुम लोग मेरी हेल्प करा दो, तो ये भी बैठ गए, देख लीजिए यहाँ पे बैठे हैं ये। ये है संचित, ये रिजुल आए, और ये सिया को तो आप जानते ही हैं, तो ये सारे बच्चे हैं, ये हमारे स्कूल के बच्चे हैं, बहुत प्यारे प्यारे से, तो ये मेरी हेल्प करा रहे हैं थोड़ी सी। तो मैंने कहा तुम लोग, ये मुझे कह रहे थे असल में कि चलो हम चल के, मैं कहाँ गई, अरे मैं गायब हो गई, तो ये मुझे असल में कह रहे थे कि चलो मैम को जाके परेशान करते हैं। मैंने कहा चलो तुम मुझे क्या परेशान करो, मैं ही तुम्हें परेशान करती हूँ। तो ये बैठिए मेरी टोली, ये हेलो देखिए। हेलो हेलो, बाय बाय। तो चलिए मैं थोड़ा काम कर लेती हूँ, फिर मिलती हूँ आप लोगों से। तो यहाँ पे मैं एक आलू मटर की सब्जी बना रही हूँ, मतलब तो इसके लिए मैंने जो है सरसों का तेल लिया है, और उसमें मैंने पाँचफोरन का तड़का लगा दिया, पाँचफोरन का आप समझते होंगे, उसका तड़का लगा दिया है, सूखा लगा दिया तो अच्छा रहता है, इससे फ्रेगनेंस खुशबू काफी अच्छा आता है और टेस्ट भी खूब अच्छा आता है। आप देख रहे हैं वो शैतान चिड़िया को, दिख नहीं रहा, लाइट बहुत ज्यादा आ रहा है। ये देखिए अभी इधर से भी नहीं दिख रहा एक चिड़िया। प्याज और आलू सब डाल दिया है, मतलब डाल रही हूँ उसको, हल्का 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 फ्राई करूंगी 1-2 मिनट के लिए, बाकी बॉयल करूंगी। टमाटो जो है बॉयल, सॉरी टमाटो नहीं, पटैटो, अंग्रेजी का बहुत प्रॉब्लम है। आलू को जो है हम पटैटो को बॉयल करेंगे तो ज़्यादा नुकसान नहीं करता है, इसलिए मैं इसको जो है कर दूंगी, कर दूंगी मतलब डाल दिया इसमें हमने, और अच्छे से इसको हम जो है मिक्स कर लेते हैं पहले, और थोड़े 1 से 2 मिनट जो है आलू और प्याज को भुनने देते हैं। तब तक मैं मशीन देके आ रही हूँ, क्योंकि पानी आ गया है, तो साथ साथ मैं कपड़े भी धो रही हूँ। 2 से 3 मिनट मैंने इसको भून लिया आलू और प्याज को। अब मैं इसमें डालूंगी मटर, मटर मैंने धो लिया था, मैं धो ही लेती हूँ, मतलब मुझे ना थोड़ा सा है, मेरी मम्मी भी हर चीज़ को धो धो के बनाती है, मेरे घर में सब मतलब मम्मी मामी सब, तो हम लोग धो धो के ही बनाते हैं। मतलब कई लोगों को मैंने देखा है कि मटर प्याज को सोचते कि धोना नहीं है, लहसुन को कि छिलके के अंदर, पहले ऐसा नहीं है, कितनी गंदी गंदी बोरियों में आते हैं वो, तो इसलिए अच्छे से धो लेती हूँ मैं। और वैसे भी आजकल के टाइम में तो आप लोगों को पता ही है, तो मैंने इसको धो लिया है अच्छे से, और अब मैं इसको फिर 2 से 3 मिनट के लिए जो है इसको भुनने के रख देंगे अच्छे से, तो ये अब भुन जाएगा। उसके बाद फिर तब मैं इसमें टमाटर और मसाला लगाऊंगी। तो आलू और मटर हमारे भुन चुके हैं, 3 से 4 मिनट हो गए इनको भुनते हुए, तो अब हम इसमें डाल देंगे 2 मीडियम साइज का टमाटर, मैंने मोटा मोटा ही काट लिया है, और लहसुन को मैंने इसे खींच लिया है, खींच लिया, खींचना कहते हैं हमारे में, मतलब कूटना भी कह सकते हैं। अब इसको पहले मैं मिला लूँगी, सिंपल सी सब्जी है जी, आपको बताना क्या है, पर फिर भी मैंने सोचा चलो आप लोगों के साथ शेयर कर लेते हैं, कई बार होता है ना कुछ चीज़ शेयर नहीं करती, तो आप लोग कहते कि अरे आपने बताया नहीं, तो बस वही है, नमक डाल दिया मैंने, और थोड़ा सा मैं इसमें देगी मिर्च डाल दूंगी, थोड़ा कलर के लिए होता है ये, मिर्ची नहीं होता इसमें, ज़्यादा तीखा नहीं है,
और हल्दी पाउडर, हल्दी पाउडर, हल्दी जो मैंने थोड़ा ज़्यादा ही डालती हूँ, वैसे भी आजकल हल्दी खाना ज़रूरी है हमारे, हम तो अच्छा है हल्दी वल्दी ये सब मसाले खाते हैं तो भगवान की दया से हम लोग को जो है थोड़ा कमी बीमारी का खतरा रहता है, वैसे बीमारी का तो कुछ कह नहीं सकते जी, किसी को भी हो जाता है। खैर तो मैंने ये मसाले डाल लिए और उसके बाद थोड़ा सा इसमें हम पानी डाल देंगे मसाला भूनने के लिए। पानी डालने से याद आया कि मैं आपको बताऊं कि मैं जब खाना बनाती हूँ अपने घर में तो मेरी छोटी वाली मामी मुझे चिढ़ाती थी, पानी की रानी, पानी की रानी। असल में मेरी आदत है, मैं कोई भी खाना बनाऊंगी ना तो मसाला भुनने के लिए उसमें पानी डालती हूँ। मतलब थोड़ा सा होता है वो, सबका अपना अपना तरीका होता है, तो उसी लिए मुझे अभी याद आया पानी डालने से, तो मामी कहती थी मेरी अरे तुम पानी डाल देते हो हर चीज़ में, तो वही है बस। इसको हम अब थोड़ा जब तक कि मसाले की अच्छी अच्छी खुशबू ना आ जाए तब तक इसके लिए जो है हम भुनने देते हैं। और इसको अभी ढक्कन ऊपर से ऐसे लगाएंगे, ढक्कन सीटी नहीं लगाएंगे, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे मसाला हमारा भुन चुका है, खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। सिंपल सी सादी सब्जी है, ऐसा कुछ नहीं है, आपने देखा ही मैंने कुछ ज़्यादा कुछ भी नहीं डाला है, सिंपल सादी सब्जी, और जितनी सिंपल है उतनी ही ये खाने में टेस्टी होगी। और ये अब मैं इसमें आलू को गलाने के लिए जो है बॉईल करने के लिए और थोड़ा सा तरी भी हम बढ़ाएंगे, तो पानी डाल दिया और अब सीटी लगाएंगे इसमें हम। और कोशिश करिएगा जब भी आप इस तरह से पानी डालें ऊपर से तो गरम पानी ही डालें, ठंडा पानी ना डालें। और इसको अब हम लगाते हैं। चलिए बना लेते हैं गाजर का हलवा। गाजर का हलवा बनाने के लिए यहाँ पे मैंने लिया है 1 किलो गाजर, और आप देख सकते हैं कि मैंने जो है पहले से इसको बाहर से जो वो कहते हैं ना कोर के रख लेते हैं, तो कोर के और धो के रख लिया है। और हम इसको अब जो है मोटा मोटा काटेंगे। याद रखिए मैंने आपको पहले ही कहा था कि हम इसको कद्दूकस बिल्कुल नहीं करेंगे, हम इसे मोटा मोटा ही काटेंगे। और देखिए इस तरह से मैंने इसको काट लिया और ऐसे ही हमको इसे बनाना है। तो चलिए करते हैं हम आगे की तैयारी। गाजर मैंने काट लिया है, तो अब हम गैस की फ्लेम जो है वो ऑन कर लेते हैं। गैस की फ्लेम ऑन कर दी है मैंने, कुकर रख दिया है इसमें। अब मैं इसमें डालूंगी 1 से 2 चम्मच, मतलब आप ये देख लीजिए इतना मैं इसमें घी डाली हुई, आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग आप देख लीजिए कि कितना घी डाल, वैसे 1 से 1.5 चम्मच का घी डाल लीजिए। और ये मैंने शुद्ध देसी घी डाला है जो मैंने घर में बनाया है, तो इसको हम इसमें डाल देते हैं। अब ये इसमें हो गया है, तो अब इसमें हम डाल देते हैं हमारा गाजर को जो है हम इसमें डाल देंगे। गाजर को हमने इसमें ऐसे डालते हुए इसको हमने भून लेना है। ये मतलब हम समझ लीजिए देसी तरीके से बना रहे हैं, और देसी तरीका मतलब कि इसको हम अच्छे से भून के बनाएंगे। और देखिए आप सोच रहे होंगे कि हमने इसको कद्दूकस नहीं किया, कद्दूकस नहीं करना है, इस तरह से हम इसको फ्राई कर लेंगे। 2 से 3 मिनट हम इसको भून लेंगे और उसके बाद अब इसमें आप देखिए गाजर मेरी कितनी अच्छी है, लाल लाल गाजर है, तो आप भी यही वाला गाजर लीजिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। इससे क्या होता है कि आपको एक तो शुगर ज़्यादा नहीं डालना पड़ेगा और दूसरा टेस्ट बहुत अच्छा आएगा, ठीक है। चलिए जी, तो अब हम इसमें लगा देते हैं ढक्कन। कुछ नहीं डालना है, बस गाजर जो हमने भुना था उसको भून के अब हमने ढक्कन लगा दिया और 1 सीटी इसमें हम आने देंगे। तो सीटी निकल चुकी है और अब आप देख सकते हैं कि हमारा ये, मैं ऐसे हाथ से प्रेस करके दिखाती हूँ आपको, ये देखिए गाजर कितना गल गया है, मतलब बिल्कुल ही अच्छे से हमारा जो ये गाजर है ये देखिए बिल्कुल गल चुका है, ठीक है। तो अब हमें इसे क्या करना है, थोड़ी देर ऐसे पकाना है, ऐसे पकाना मतलब कि थोड़ी देर इसको 1 मिनट के लिए फ्लेम में पकाएंगे और उसके बाद हम इसमें डालेंगे दूध। तो चलिए अब हम इसमें डालना शुरू करते हैं दूध। देखिए आपने जितना भी गाजर ले रखा है, मैंने जैसे कि 1 किलो गाजर लिया था, तो मैं इसमें 1 लीटर या 1 किलो जो भी कहते हैं उस हिसाब से दूध डालूंगी। अभी मैंने थोड़ा डाला है, पहले इसमें खौल आने देते हैं और इसको अब अच्छे से मिलाते हुए हम इसको गला देंगे, ठीक है। और आपने अगर 1/2 किलो गाजर लिया है तो आप 1/2 किलो ही मतलब दूध डालिएगा, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप लोगों ने कितना जो है, ये मेरा कैमरा इतना हिल क्यों गया, कितना गाजर लिया है उस हिसाब से। तो अब हम इसको अच्छे से पकाएंगे और जो है इसमें खौल आने देंगे, ठीक है। चलिए तो इसको अभी थोड़ा पकने देते हैं, इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं हम लोग। दूध में उबाल आ गया है, आप देख सकते हैं वो धुआं कुछ ज़्यादा ही हो गया है, तो मैं थोड़ा सा आँच को जो है धीमी आँच कर देती हूँ, फ्लेम को मीडियम कर देती हूँ। तो इसको अब जो है हम लोग धीमी धीमे आंच में धीरे धीरे पकाएंगे। और ये देखिए अब हमारा गाजर जो है गलने लग गया है, और इसको हमने ये वाला स्पैचुला मतलब ये वाली खर्ची डाड़ू हमने इसलिए लिया था ताकि इसको हम जो गल नहीं रहा है उसको इस तरह से हम प्रेस कर देंगे, ठीक है जी। इस तरह से हम प्रेस करते जाएंगे, वैसे ही अपने आप गल जाएगा। जब तक हमारा दूध गलेगा ये
बर्तन में जो हम भी हमने दूध वूध डाल रखा है, गलेगा नहीं, दूध कैसे गलेगा, गाजर गलेगा और तब तक हमारा दूध भी जो है घट जाएगा। तो इन दोनों को अब साथ में इस तरह से पकने देते हैं। और कलर देखिए गाजर का कितना अच्छा कलर आ रखा है, और इस ये रेड वाला जो गाजर होता है इसकी टेस्ट भी बहुत अच्छा होता है, और इसमें शुगर भी हमें जो है बहुत ज़्यादा नहीं डालना पड़ता है। और अगर आप इसके विपरीत जो है, इसके अपोजिट ऑरेंज वाला गाजर का बनाते हैं अगर आप लोग, तो हमें जो है थोड़ा सा चीनी भी ज़्यादा डालना पड़ता है। मैं कैमरे को यहाँ फिक्स कर देती हूँ एक मिनट, और इस तरह से पकाती हूँ। तो अब मैं इसको जो है प्रेस करते हुए पकाऊंगी, और इस दूध को भी जो है हम घटने देते हैं, गलेगा तो ये गाजर, ठीक है। तो इसको हम इस तरह से धीरे धीरे धीमी आंच में पकाते रहेंगे और इसको पकने देंगे आराम से, कोई जल्दी नहीं है, ठीक है। तो अब इसको मैं पकने देती हूँ यहीं पर। तो ये देखिए आप, काफ़ी हद तक जो है दूध भी घट गया है, और आप देख ही पा रहे होंगे कि गाजर भी काफ़ी गल गया है। और जो मतलब नहीं गला है, या जो आपको लग रहा है मोटा मोटा है, तो उसको हम स्पैचुला यानी कि ये हमारे क्या बोलते हैं इसको हिंदी में, करछी, या हम तो क्योंकि डाड़ू बोलते हैं इसलिए मुझे इसका हिंदी नाम एकदम से मेरे मुंह पे आता नहीं है। तो करछी की मदद से आप इसको इस तरह से प्रेस कर सकते हैं, ठीक है। इसीलिए हमने ऐसा वाला करछी इसीलिए लिया है ताकि जो अगर कोई बड़ा बड़ा पीस हो तो उसको इस तरह से प्रेस कर सके। अभी इसको थोड़ा और गलने देते हैं हम। तो आप देख सकते हैं कि इसमें जो हमने दूध डाला था वो बिल्कुल ही घट गया है, बिल्कुल कड़ चुका है, बिल्कुल कम हो गया है। तो और आप देख लीजिए गाजर को भी, आप देख लीजिए, आपको या किसी को भी बिल्कुल नहीं लग रहा होगा, जो आप जिसको बना के देंगे उनको बिल्कुल नहीं लगेगा कि आपने इसको कद्दूकस करके बनाया है, किस तरह से बनाया है, जब तक कि आप नहीं बताएंगे। देखिए बिल्कुल गाजर बिल्कुल बारीक हो चुका है, कहीं से भी जो हमारे गाजर के जो मोटे टुकड़े वो नहीं हैं। अब यहाँ पे आप देखिए बिल्कुल पतला हो चुका है, बिल्कुल ग्राइंड जैसा हो चुका है हमारा गाजर। अब हमने इसमें क्या नहीं डाला है, सोचिए सोचिए, हमने इसमें क्या नहीं डाला, हमने इसमें कुछ भी नहीं डाला है, मतलब कि चीनी या कुछ भी। जैसे कि अगर हम इसमें पहले ही चीनी डाल दें तो आप सबको पता ही है, या नहीं भी पता होगा तो मैं बता देती हूँ कि इसमें अगर हम पहले ही शुगर डाल देते, चीनी डाल देते, तो ये दूध फट जाता है। इसलिए हमने इसमें पहले चीनी नहीं डाला था, हमने इसको सिर्फ घी में भूट रखा है, और उसके बाद जो है दही नहीं दूध में पकाया है। तो अब हम इसमें डाल देते हैं शुगर, चीनी जो है आप लोग इसमें अपने टेस्ट के अनुसार डालिएगा। मैं बहुत ज़्यादा चीनी नहीं डालूंगी, क्योंकि एक तो हमारे घर में बहुत ज़्यादा शुगर कोई नहीं खाता है, और दूसरा ये जो मैंने रेड वाली गाजर ली थी पहले ही अपने आप में बहुत ही मीठा होता है, तो इसलिए हमने इसमें बहुत ज़्यादा शुगर नहीं लिया है। तो चलिए अब चीनी को डाल के थोड़ा देर पकाते हैं, क्योंकि चीनी भी थोड़ा सा अपना पानी छोड़ेगा, मतलब चीनी का शीरा जैसा बोलते हैं उसको, वो बनेगा, फिर उसको हम सुखाते हैं थोड़ी देर बना के, थोड़ी देर उसको बनाने मतलब पकने देते हैं शुगर के साथ में। चलिए तो गाजर का हलवा पर्सनली भी मुझे बहुत पसंद है, क्योंकि बचपन में अक्सर मम्मी मतलब ये जब बनाती थी तो सर्दियों की मतलब याद आ जाती है अभी भी, और बहुत सारे इसमें जो है मम्मी ड्राई फ्रूट्स डालती थी। तो अभी चलिए हम भी इसमें ड्राई फ्रूट्स डाल लेते हैं। उससे पहले हम डालेंगे इसमें इलायची पाउडर, थोड़ा सा पहले डाला है मैंने, थोड़ा सा बाद में डालेंगे, और डाल लेते हैं हम बहुत सारे ड्राई फ्रूट्स। तो मैंने इसमें बादाम और काजू डाल लिया है, और इसको हम मिक्स कर देते हैं एक बार फिर से। और अब डालेंगे हम इसमें पिस्ता, मुझे बहुत अच्छा लगता है इसमें जो होता है कॉन्ट्रास्ट, बहुत अच्छा लगता है। आप देख सकते हैं कि कॉन्ट्रास्ट कितना अच्छा लग रहा है इन दोनों का, रेड और ग्रीन वाला। तो ये बन चुका है, तो अब मैं इसे बंद कर देती हूँ, फ्लेम को मैंने बंद कर दिया, और इसको थोड़ा देर ठंडा मतलब नॉर्मल आँच में आने देते हैं। उसके बाद जो है इसमें हम डालेंगे अब खोया, और खोया मैं कौन सा डालूँगी मैं अभी बताती हूँ आपको। तो ये देख लीजिए कलर कितना अच्छा आया है, और इसमें मैं जो बचा हुआ हमारा इलायची पाउडर था वो डाल देती हूँ, और खोया मैं इसमें ना ये डालने वाली हूँ। मैं बताऊँ आपको ये क्या है, ये कुछ और नहीं है, ये है बनारसी का मिल्क केक। और मैं आपको सच बता देती हूँ, ये मैंने नहीं ख़रीदा है, हमारे ऊपर एक सर है रहते हैं, उनकी कल एनिवर्सरी थी, मैरिज एनिवर्सरी पता नहीं क्या हो गया है, तो वो थी तो उन्होंने दिया था, तो मैं यही डालने वाली हूँ। चलिए कर लेते हैं इसको डेकोरेट अब हम। तो आप देख सकते हैं कि गाजर का हलवा जो है मेरा रेडी हो चुका है बिल्कुल। ये देखिए कितना बढ़िया कलर आया है, और देखिए इस तरह से आप लोग भी इसमें खूब सारे ड्राई फ्रूट्स डाल के खाइएगा, बचपन की याद आ जाती है, क्योंकि अक्सर मम्मी या मामी जो है मेरे बर्थडे पे गाजर का हलवा बनाया करती थी, तो वही बस याद ताज़ा कर ली है आज मैंने। और इसी तरह से आप लोग भी ज़रूर बनाइएगा, आप लोग को बहुत अच्छा लगेगा, समझ लीजिए कि मेहनत कम और मज़े ज़्यादा। तो चलिए अब मैं मिलती
चलिए गाइस, तो टाटा बाय बाय करने का टाइम आ गया है। तो अभी टाइम हो रहा है, मैं आपको टाइम दिखा देती हूँ। टाइम हो रहा है अभी, कहाँ गया, ये हो रहा है, दिख रहा होगा, 3:15 नहीं हो रहा है, 8:45 हो रहा है। तो चलिए अब आप लोगों को बाहर से लेके जाएंगे, और आप लोगों को तो पता ही होगा, ये देखिए खा के निकले हैं, ये गाजर का हलवा कैसा हुआ था, गाजर का हलवा बताओ जरा बहुत पहले। टेस्टी। प्लेट देखो खाली, प्लेट 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 में तो मैंने की दिया भी नहीं सॉरी, था, कैसा बिल्कुल हुआ खत्म, था, बहुत ही टेस्टी, ये जबरदस्त, तो बोलेंगे मजा ही। आया। खैर, ये तो लोग तो बोलेंगे ही, लेकिन मैं जो है आप लोग से ये कहूंगी कि आप लोग भी एक बार बना के जरूर देखिएगा, इस तरह से बहुत अच्छा लगेगा, मतलब मेहनत कम और टेस्टी बहुत लगेगा। मैं फिर से ये कहूंगी, वो बात अलग है, अगर आप मेहनत करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, तो वरना इस तरह से बना के देखिएगा, कम समय भी आपका कम लगेगा और स्वाद बिल्कुल पहले से भी ज्यादा अच्छा लगेगा, बेहतर लगेगा, बहुत ही टेस्टी लगेगा। और हलवा पसंद आया हो तो एक लाइक जरूर मारिएगा, एक लाइक जरूर करिएगा, एंड फील फ्री टू सब्सक्राइब। चलिए फिर चलते हैं बाहर, देखती हूँ कितना ठंडा है। ओहो, दरवाजा तो बंद है, तो बाहर काफी ठंडा है, आप लोग जैकेट टोपी सब पहन के आइएगा, तो रात काफी हो गई है। चलिए, ओके, तो आप लोग अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, इस साथ मैं आप लोगों से विदा लेती हूँ, बाय।